सोशल री इंजीनियरिंग आज की डेट में भारतीय पॉलिटिक्स में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, उसके पीछे रीजन है। इवन यूपी में सपा बसपा का गठबंधन सबसे बड़ा सोशल री इंजीनियरिंग का या सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के लिए ही जातिगत आंकड़ों के लिए सोसाइटी को देखते हुए, वोटर्स को देखते हुए ये हाथ मिला हुआ। सहज भाव से मैंने ये पूछा कि सीताराम केसरी याद आते हैं, फिर ये नहीं याद आते, एक एक को जरूर याद आते होंगे। तारिक अहमद लारी जी, उसके बाद आ रहा हूं शूल सरीखे, कुछ सवाल हैं आपसे भी टिकटों को लेकर के। एक याद आते हैं आपको सीताराम केसरी भी आडवाणी जी के साथ? नहीं, मुझे नहीं, भारत का हर एक वोटर, हर एक प्रबुद्ध नागरिक को याद आते, बिल्कुल आते हैं। और केवल सीताराम केसरी की ही बात नहीं है, छोटे मोटे जगहों पे भी देखेंगे आप तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसी घटनाएं जितने भी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी हैं जो दंभ भरते हैं आदर्शों का और इन सब चीज़ों का, ये चीज़ें दिखाती हैं। अभी हमारे देखिए भाजपा के मित्र थे, वो बोल रहे थे, उनसे पूछा गया जी, उनसे ये भी पूछा गया कि आपके किसी परिवार के सदस्य को दे दें। भाई इतने ट्रांसपेरेंट आप हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिए होते ना। मुझे पता नहीं है कि आडवाणी जी ने ओपन प्रेस में जाके खुद ये डिक्लेयर नहीं किया कि भाई मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, वाया वाया करके आ रही है। सर ये हमारे जो श्रीमान जी बैठे थे ये तो ऐसे बता रहे थे कि जैसे यही जाके आडवाणी जी से, और एक मुझे ये भी याद आ रहा है कि 2004 वाली हार के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पब्लिकली आकर के बोला था कि अब आगे से भारतीय जनता पार्टी का पैराडाइम शिफ्ट किस तरीके का। हाँ, पूछिए ना, चाल चरित्र ट्रांसपेरेंसी मर्यादा इनकी बात करने वाले सर, दस उनका सम्मान आपको रखना था तो आप यही करते कि दो मिनट का उनको ओपन में टाइम दे दिए होते कि सर आकर के आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपनी इच्छा जाहिर करिए। खैर मैं इसकी बात नहीं करता हूं। देखिए राशिद है क्या, एक एक बात ही बताइएगा, 1952 से लेकर के अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं, एक ही बात कही जाती है उसमें कि दो शब्द काम करते हैं, पहला एक कोई यूफोरिया होता है और दूसरा कोई वेव होती है। अभी तक जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, जैसे 2014 में एक यूफोरिया और एक वेव सिर्फ एक नाम का, और वो थी मोदी वेव। क्या कोई ऐसा यूफोरिया या वेव अभी भी काम कर रही है, कोई अंडर करेंट है ऐसे किसी यूफोरिया या वेव का? नहीं, अभी ऐसा नहीं है क्लियरली। राशिद मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो वेव वगैरह चलती है ना, अंडर करेंट वगैरह जो अदृश्य होती है, लेटेंट होती है, बड़े मुश्किल से पूरे इतिहास में अगर आप देखेंगे 4-5 बार ऐसा आया है। जैसे चक्र का जब निशान मिला था तो उस वक्त भी ये चला था और मोदी जी के साथ भी चला था। सवाल ये है कि अगर ये कोई वेव नहीं चल रही है, अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए मंथन करने के लिए, तो जो रिजल्ट डिसाइड होंगे कौन हारेगा, कौन, वेव अभी नहीं चली है, वेव शायद अब क्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि वेव क्रिएशन की जो फिलॉसफी होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। सवाल ये है, देखिए हम लोग बार बार पॉलिटिकल सोशल री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सोशल री इंजीनियरिंग आज की डेट में भारतीय पॉलिटिक्स में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है, किसी सीट पे सोशल री इंजीनियरिंग के जो पैरामीटर होते हैं, यानी जातिगत आंकड़े क्या है, कितने वोटर है, उस हिसाब से उसको मैनेज करना, ये सारी पार्टियां कर रही हैं। सारी पार्टियों का आप लिस्ट उठा के देख लीजिए जो अदला बदली हो रही है, सबने इसी, इवन यूपी में सपा बसपा का गठबंधन सबसे बड़ा सोशल री इंजीनियरिंग का या सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के लिए ही जातिगत आंकड़ों के लिए सोसाइटी को देखते हुए, वोटर्स को देखते हुए ये हाथ मिलाया हुआ है। अब सवाल ये आता है, तो फिर विनिंग फैक्टर क्या है? विनिंग फैक्टर है दो चीजें राशिद, देखिए एक होता है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इफिशियंसी आपकी, दूसरी होती है इन्फ्लुएंसिबिलिटी। अब कैंपेन थोड़ा चलने दीजिए, कौन गलतियां करता है, किसके कैंपेन कैसे होते हैं, कितनी तेजी से और कितना डीपली वो पेनेट्रेट करके उनके मनोभावों को, वोटरों के मनोभावों को, जनता के मनोभावों को वो प्रभावित कर सकते हैं, ये नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेप है सोशल इंजीनियरिंग से, जब आप आगे एडवांस लेवल पे बढ़िए इलेक्शन को मैनेज करने का और जीतने का। मुझे लगता है सारे दल इस चीज के लिए भी तैयार है और यही देखना दिलचस्प होगा कि माइक्रो लेवल पे अब की बार कैसे, सोशल पैरामीटर पे तो सबने बराबर अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया टिकट दे करके, ये बात यही खत्म हो।